भारत हमारा देश है। हाँ, ये मुसलमानों का देश है, तो आप अपने धर्म ग्रंथों में इस देश का नाम बताइए, हम तो बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। ये मुसलमानों का देश है, तो आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें गंगा नदी बताइए, यमुना नदी बताइए, हिंदू जाति बताइए, ब्राह्मण बताइए, क्षत्रिय बताइए, वैश्य बताइए, शूद्र बताइए, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये सब मिलता है। अगर आपका ये देश है तो फिर पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया? फिर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया, आप लोगों ने वोट दिया कि नहीं हमारे लिए अलग देश दो। क्यों भाई? तो अच्छा, अलग देश भले ही चले जाते लेकिन उसका भी नाम भारत ही रखते ना। आपने उस देश का नाम पाकिस्तान कैसे रख लिया? अगर ये देश आपका है और इसका नाम भारत है, आप ये बात स्वीकार करेंगे कि इसका नाम भारत है? एक अमरूद के दो टुकड़े करो तो दोनों टुकड़े अमरूद ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टुकड़ा आम हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा अमरूद हो जाएगा। किसी भी कपड़े के दो टुकड़े करो तो ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरा जो है कोई दूसरा हो जाएगा और एक टुकड़ा कपड़ा रहेगा। तो वैसे इस देश का इस तरह से विभाजन नहीं हुआ है, कोई धरती थोड़ी काटी गई है, केवल आपने नाम बदल दिया। तो अगर ये देश आपका है, ये देश माने कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश आपका है और आपके धर्म ग्रंथ इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये भारत देश है, तो वो पाकिस्तान कैसे बन गया, वो अफगानिस्तान कैसे बन गया? उसको भी भारत रहना चाहिए था ना, भले ही आप रहते अपना। अगर ये देश आपका है, आप मुसलमान कैसे हो गए? कब से हो गए मुसलमान? कहाँ से हो गए?